हेलो स्टूडेंट्स, हम फटाफट से एक क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के बायो पोर्शन का फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। तो आप सब कुछ पढ़ चुके हो या अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। हो सकता है इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में से क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, तो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस है क्या? यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स व्हाट, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑल द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। तो सभी एक्टिविटीज जो हम लाइफ साइकिल के दौरान परफॉर्म करते हैं वो नहीं है लाइफ प्रोसेसेस। सिर्फ वो ही प्रोसेस हैं इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मेंटेनिंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तीन इवेंट्स क्या है? सीक्वेंशियल ऑर्डर में तीन इवेंट्स यही है, ऑल ऑफ द अबव है आंसर। और तीन क्या क्या इवेंट्स हैं? सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल, फिर जो लाइट एनर्जी आई है वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, स्पिटिंग ऑफ वाटर होता है, लास्ट में CO2 का रिडक्शन होता है। तो यही तीन स्टेप्स हैं, आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? आपका एक्सपेरिमेंट है रेस्पिरेशन वाला, उसमें से है ये क्वेश्चन, ये भी आपको प्रिपेयर करके जरूर जाना है। और इसका आंसर है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस नहीं है और कोई गैस तो ऑब्वियसली नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की या व्हाइट कलर का कन्वर्ट कर देती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज द आंसर। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन की जब आप प्रोसेस देखते हो तब आप देखते हो ये जो सिक्स कार्बन ग्लूकोज है वो सबसे पहले थ्री कार्बन पाइरूवेट में टूटता है। ये थ्री कार्बन पाइरूवेट में टूटता है, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपने देखी होगी कि या तो बिना ऑक्सीजन के होगा या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा। पर दिस इनिशियल स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट ये सभी में कॉमन है, चाहे बैक्टीरिया हो, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ भी हो, ये सभी में कॉमन स्टेप है। और ये कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। ये स्टेप होगा साइटोप्लाज्म में। आगे अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो आगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, अदरवाइज वो भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। तो दिस स्टेप विच इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ये कहां पर होगा? ये होता है साइटोप्लाज्म में, नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा फॉर द पर्पस ऑफ, तो ये होता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, एक हेल्दी एडल्ट कितना इनिशियल फिल्ट्रेट उसके किडनी में आता है? अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने की स्टोरी के थ्रू आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस बताई थी, तो आपको याद होगा कि राक्षस दिन भर में कितना ब्लड पीता है, दैट इज 180 लीटर्स। तो बाउलेंस कप में कितना फिल्ट्रेट आ जाता है, ये कितना है? 180 लीटर्स। इसी को इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं। उसके बाद सिर्फ 1% ही बनती है यूरिन, अदरवाइज बाकी सारी रीअब्सॉर्ब हो जाती है। तो कितना इनिशियल फिल्ट्रेट आता है? 180 लीटर्स। देन प्लांट्स में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बीइंग में क्या है? सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लंग्स भी, स्किन स्वेट करता है रिलीज, लंग्स CO2 गैस रिलीज करते हैं, किडनी, लिवर, सभी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, किडनी है। क्वेश्चन में होगा कि कौन सा नहीं है, तो और कुछ एक और ऑप्शन दिया जाएगा जो नहीं होगा और उसको टिक कर दिया गया। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर किडनी है। प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन, सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है। फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं, वाटर का सिंपल ट्रांसपोर्ट है और किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। आप याद रखते हो, आपको याद होगा अगर मैंने जाइलम की स्पेलिंग में ही आ रहा है जल, तो ये करता है ट्रांसपोर्ट वाटर का। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फॉर से फ्लोएम, फॉर से फूड, तो इजीली याद रहता है।
अब क्या बात है कि जाइलम से जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये भी बार बार आपको क्वेश्चन मिलता है, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन चेंज हो रही है बार बार फूड की, किसके थ्रू होता है? ये फ्लोएम के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर किस डायरेक्शन में होता है, तो जाइलम के थ्रू वाटर तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ता है, सॉइल से रूट्स ले लेती है वाटर और वो अपवर्ड मूवमेंट में चढ़ता है, पर फूड का जो ट्रांसपोर्ट है जिसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं वो दोनों डायरेक्शंस में होता है, बोथ अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। क्यों? क्योंकि ये जो लीफ है, ये जो लीफ में फूड बनता है, यहाँ पर बना हुआ फूड तो दूसरे ऑर्गन्स में जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। जो फूड स्टोरिंग ऑर्गन्स है, सपोज पोटैटो में फूड स्टोर होता है, वो स्टोर्ड फूड भी तो कभी जरूरत के टाइम पे दूसरे ऑर्गन्स में जाएगा। तो हमेशा फूड का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल है, बोथ डायरेक्शंस में होता है। ये है आंसर यहाँ पर। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब क्या है यहाँ पर? वाटर। सॉल्वेंट का मतलब है वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। इट इज ऑस्मोसिस। अगर यहाँ सॉल्वेंट की जगह पर गैस कर देते तो दैट इज डिफ्यूजन। गैस का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन, जबकि वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस। वॉट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस डिफिकल्ट प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हो, किशमिश को आप खीर में डालते हो और वो स्वेल हो जाती है। वॉट इज दिस? खीर के दूध में ज्यादा पानी है किशमिश के कंपैरिजन में, तो ज्यादा पानी से कम पानी में मूवमेंट होता है, यानी कि दिस रेजिन जब ये जाएगा पानी में या दूध में तो पानी ज्यादा है बाहर दूध में इन कंपैरिजन टू किशमिश, और ये अंदर चला जाएगा और आपकी जो रेजिन है किशमिश है वो स्वेल हो जाएगी। ये ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो ऑस्मोसिस की ये प्रोसेस है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ। The components which help in the translocation process in plants are definitely phloem है। phloem में क्या क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो phloem की four cells होती हैं, sieve tube उसको help करने वाले, उसको companion, उसकी जो होती है जो उसको company देने वाली friends होती हैं companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers। तो यहाँ पर answer है sieve tube and companion cells जो कि phloem के cells के नाम हैं और ये help करती हैं translocation। उसके बाद है द फिनोमेना ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इन इट्स डिसॉल्व्ड फॉर्म इज कॉल्ड, वही क्वेश्चन है जो मैं बार बार बता रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ये भूलोगे नहीं, आप जरूर याद रखोगे, इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज, स्टमक में जो फूड होता है या स्टमक से जो फूड निकल के जाता है आगे इसने इंटेस्टाइन में, दैट इज एसिडिक। क्योंकि स्टमक में आपको पता है एसिड रिलीज होता है एचसीएल, और उसकी वजह से जो भी फूड अंदर गया है स्टमक में वो एसिडिक हो जाता है। और आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे भी देख सकते हो, जब भी आपने कभी वॉमिटिंग की होगी तो खाया आपने भले ही मीठा है पर वॉमिटिंग में जो भी चीज बाहर आती है वो बहुत खट्टी सी होती है, वो एसिडिक होती है बिकॉज ऑफ दिस एचसीएल। क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट नहीं है, ट्विस्टेड है, पर इजी है, थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाओगे तो कर लोगे इसे। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स के सरफेस पे जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको कहते हैं स्टोमेटा। सभी को पता है स्टोमेटा के थ्रू होती है गैसियस एक्सचेंज और वाटर लॉस भी, ट्रांसपोर्टेशन। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, जब कुछ खास नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनके जो मेंटेनेंस फंक्शंस है वो चलते रहते हैं। यहाँ पर और चीजें नहीं होंगी, यहाँ पर आएगा एनीथिंग पर्टिकुलर, जब वो कुछ भी पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं तब भी उनकी प्रोसेस चलती जा रही है। टूथ डीके विल नॉट बी प्रिवेंटेड, दांत जो आपके सड़ते रहते हैं अंदर अंदर, हमेशा बैक्टीरिया जो भी फूड बचा हुआ है आपके दांतों के बीच में उस पर हमेशा बैक्टीरिया एक्ट करते रहते हैं और उसमें से एसिड बनता रहता है और दांतों की इनामिल को डिजोल्व करता रहता है। तो ये जो टूथ डीके है हमेशा होता रहता है, ये नहीं रुक पाएगा किन चीजों से? रेगुलर ब्रशिंग से तो रुक जाएगा, ठीक है, रेगुलर फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग क्या होता है? थ्रेड से आप बीच में फंसे हुए पार्टिकल्स को जब रिमूव करते हो दांतों के बीच में फंसे हुए, तो फ्लॉसिंग से भी बच जाएगा,
रेगुलर विजिट टू डेंटिस्ट आप केयर करोगे, फिर डेंटिस्ट के पास जाओगे, प्रिकॉशंस लोगे तो भी बच जाएगा, पर ये टूथ डिके कभी नहीं रुक पाएगा अगर आप शुक्रोज कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे अपने डाइट में। बहुत मीठा खाओगे तो ये तो सभी ने सुना है, ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। तो शुक्रोज आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप सिंपल इसको शुगर समझ लो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको सिंपल शुगर समझ लो। तो शुगर कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे तो टूथ डिके रुक नहीं पाएगा। टूथ डिके रोकने के लिए आपको शुगर कंजम्पशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। इनर लाइनिंग ऑफ द ऑफ डैश हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो आपको पता है विलाई होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन स्मॉल हो या लार्ज दोनों जगह विलाई होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं, साथ में लार्ज इंटेस्टाइन अगर दिया होता तो उसमें भी होते हैं। यहाँ पर कहाँ पर होते हैं पूछा गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी द आंसर। इसकी जगह पर अगर लार्ज इंटेस्टाइन होता तो वो भी आंसर सही था। इसके वजह यहाँ पर नहीं होते हैं इस विलाय। विलाय का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाय वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। याद रखो कि आप इस बात को। आर्टिफिशियल किडनी वो डिवाइस है जो नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करती है हमारे ब्लड से थ्रू। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस की प्रोसेस के थ्रू हम जो भी वेस्ट है, अगर किडनी खराब हो गई है तो डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसका नाइट्रोजन वेस्ट निकाल सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिन वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बहुत पतली पतली होती हैं ब्लड कैपिलरीज। क्यों, आपको याद होगा ये जो बलून शेप्ड एल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, इन एल्वियोलाई के सरफेस के पास से ये जा रही है ब्लड कैपिलरी एकदम पतली सी। सो दैट बिल्कुल पतली सी वन सिंगल लेयर की एपिथेलियल लेयर होती है इसके बाद ये जो एपिथेलियल लेयर है ऐसे। क्यों, ताकि बहुत इजीली इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज हो सके। चीजों का जो एक्सचेंज है गैसेस का, यहाँ से ऑक्सीजन को लाइक ऑक्सीजन यहाँ पर जो थी वो यहाँ आनी है, CO2 को यहाँ जाना है। ये जो गैसेस एक्सचेंज है वो बहुत इजीली हो सके। पतला बैरियर है, बिल्कुल थिन वॉल्ड यहाँ पर लेयर है, इस वजह से एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग। राइट, टू डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। ए फॉर आर्टरी एंड बी फॉर वेन। तो ये जो अल्फाबेट है यही रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन। तो आर्टरी मींस व्हिच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, दैट इज आर्टरी। एंड वेन ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जो वेन आ रही है वहां पर बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहे, इसलिए वेन में वी फॉर वेन में होते हैं वी फॉर वेल्स विच आर एक्सीडेंट आर्टरीज। अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स व्हाइल वेन्स आर नॉट, गलत बात है, दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज में वेल्व है ये गलत बात है, रॉन्ग। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, तो बचा हुआ बी आंसर ही करेक्ट होगा। अब बी क्या है उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि आर्टरीज हैव थिक वॉल्स व्हाइल वेन्स हैव थिन वॉल्स। तो आपको पता होगा कि आर्टरीज की जब हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो आर्टरीज में से एकदम से बल्क में ब्लड निकल रहा है, हाई प्रेशर इसकी दीवार पर होगा, तो इस हाई प्रेशर को झेलने के लिए इसकी दीवार थिक होती है। मींस आर्टरीज की जो वॉल है ये काफी थिक है, तो ल्यूमन इसका नैरो है, जबकि वेन की पतली सी दीवार है और इसका चौड़ा सा ल्यूमन है, इसकी थिक इसकी थिन वॉल है। तो आर्टरीज में कैसी है, थिक वॉल है, जबकि वेन्स में थिन वॉल है। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिल्कुल सही है, जबकि वेन्स में थिन वॉल्स है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेल्स इन वेन। अभी हम बात कर चुके हैं वी फॉर वेन वी फॉर वेल्स। क्यों, ताकि बैक फ्लो प्रिवेंट हो जाए, जो ब्लड आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जाता रहे, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों रॉन्ग है। विच ब्लड वेसल्स हैव हाई ब्लड प्रेशर, अभी हम बात कर चुके हैं हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, जिससे कि ये हाई प्रेशर को झेल सके। तो थिक वॉल्स कहां पर होती हैं,
कहां पर हाई प्रेशर होता है? आर्टरीज में। वैसे भी आप जानते हो कि प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम एरिया ज्यादा प्रेशर। तो यहां पर एरिया कम है, आप देख रहे हो एरिया यहां पर कम है इसलिए प्रेशर यहां पर ज्यादा है, जबकि यहां पर एरिया बहुत ज्यादा है इसलिए प्रेशर यहां पर लेस है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर क्या है? Which blood vessel have high blood pressure? Definitely arteries में high blood pressure है, veins में कम pressure है। Dead cells of phloem. Phloem में चार तरह की cells होती है, sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. जिन cells में sieve plate होती है, ऐसे चलनी की जैसे plate होती है, pores होते हैं इसमें, ये sieve tube है। इसको कंपनी देने वाली जो सेल है वो कंपेनियन सेल है, इसकी फ्रेंड है, इसको हेल्प कर रही है। देन फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है वही डेड है, बाकी सभी लिविंग है। तो कौन से डेड है? फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, इसको क्या कहते हैं? इसको हम बार बार देख चुके हैं कि फूड के मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड का जो मूवमेंट है फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनटू फ्लोएम रिक्वायर्स, जो वाटर का मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू वो तो ऐसे ही होता है, पैसिव मूवमेंट है, मतलब कोई एनर्जी नहीं चाहिए, पर जो फूड का मूवमेंट है फ्लोएम के थ्रू होता है दैट रिक्वायर्स एनर्जी, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। विच प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टोमेटा दिन में बंद होते हैं। स्टोमेटा का क्या काम है? उसमें से गैसेस एक्सचेंज होता है और साथ में ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गर्मी में, जो डेजर्ट में रहते हैं, वो दिन में अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं ताकि उनका एक्सेस वाटर लॉस ना हो। तो वाटर लॉस तो बच जाएगा पर वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करेंगे जब दिन में स्टोमेटा बंद है? तो रात में वो थोड़ी देर के लिए अपनी विंडो यानी अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, CO2 को ले लेते हैं, पर CO2 का काम तो होना है अगले दिन सुबह जब सनलाइट मिलेगी, तो वो रात भर के लिए उस CO2 को किसी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाकर रख लेते हैं। वैसे जैसे आपको मॉर्निंग में पराठे बनाने हैं और रात में आप डो लगा के रख लेते हो, जस्ट लाइक दैट। तो CO2 को रात में स्टोमेटा ओपन करके उन्होंने लिया है और इंटरमीडिएट बना के रख लिया है नेक्स्ट डे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कौन से प्लांट्स ऐसा करते हैं? डेजर्ट प्लांट्स, जो दिन में अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं। ग्रीन ऑर्गेनेल ऑन सरफेस ऑफ लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। यह आप पढ़ चुके हो, अच्छे से जानते हो, क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर देता है प्लांट को और फोटोसिंथेसिस करता है। जब भी आप डायग्राम वाले क्वेश्चंस देखते हो तो आप एकदम से डर जाते हो, ये क्वेश्चन में क्या है, पूछा क्या गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है। सिंपली यहाँ पर लेबलिंग की है और आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है कि y क्या है, w क्या है, x क्या है, y क्या है, z क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले ये क्या है, ये है साउंड बॉक्स या लैरिंग्स, तो w इज लैरिंग्स, ये तो लैरिंग्स हो गया। देन ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया पे आप जानते हो ना कार्टिलेज की रिंग होती है पूरे ट्रैकिया पे, इसको कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, तो दिस इज ट्रैकिया। ठीक, फिर हम ढूंढते हैं डब्लू लैरिंग्स और एक्स ट्रैकिया। हमें सिर्फ दो से ही हमें हमारा सही आंसर मिल गया है क्योंकि बाकी जगह सभी जगह रॉन्ग है। बाकी दो को भी कंफर्म कर लेते हैं, तो ब्रोंकस जेड है यानी कि ये देख रहे हो लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में डिवाइड हुआ है और फिर वाई ए छोटे छोटे पतले पतले दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर द ब्रोंकियोल्स, जेड तो ब्रोंकस था। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया सिर्फ दो चीजों से ही। अगर आपको चारों लेबलिंग नहीं भी पता है, सिर्फ दो भी पता है, तो भी कई बार आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो इजीली। इसलिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उसको पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। यहाँ पर भी फिर से एक डायग्राम का क्वेश्चन मिल गया और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ सेल्स दिखाई गई है 1, 2, 3, 4, इनमें से किन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियरली पता है कि ये मेसोफिल सेल्स है और मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, कंफर्म, दिस इज मेसोफिल सेल और इन्हीं मेसोफिल सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट।
दूसरी कौन सी सेल है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो याद करो व्हाट इज दिस, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये स्टोमेटा है। और अगर आपको स्टोमेटा का डायग्राम याद होगा तो आपको याद होगा कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में इस तरह से गार्ड सेल होते हैं, न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दो हमारे पास सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स एंड गार्ड सेल्स या स्टोमेटा की सेल्स, जिनमें होता है क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन सी सेल्स है, नंबर 2 एंड नंबर 4। ये कई बार डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। बिना किसी कंफ्यूजन के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जो तीन स्टेप्स हैं उनमें से जो सेकंड स्टेप है एज इट इज उसका स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब टू डिफरेंशिएट अ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मूवमेंट जरूरी है। मूवमेंट सिर्फ ऐसे जरूरी नहीं है, आप देखते हो प्लांट मूवमेंट नहीं करते फिर भी वो लिविंग है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मूवमेंट जरूरी है लिविंग बींग होने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज डन बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के तीनों स्टेप्स आपको सही से याद होने चाहिए, उसकी इक्वेशन भी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी न्यूरॉन, डोंट गेट कंफ्यूज, न्यूरॉन्स होते हैं बेसिक यूनिट्स। द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ किडनी फेल्योर इज, एक नजर में देखने से आपको लगेगा कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों ही आपने पढ़े तो शायद ये होगा आंसर, बोथ ए एंड बी। पर बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें तो ओनली किडनी ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। डायलिसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका ये नो एंडिंग प्रोसेस है, चलती रहेगी, कोई इसका एंड नहीं है। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए किडनी ट्रांसप्लांट इज द ऑप्शन। Then the given figure represents the movement of water and mineral in xylem and phloem. तो आपको पहचानना है क्या Z, Y and X ये तीन structures है। कई बार ना डायग्राम देख के आपको समझ में नहीं आता इसमें करना क्या है और आप इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन मान के छोड़ देते हो, जबकि अभी हम देखेंगे बिना सारी बातें पता हुए भी हम इस आंसर को इजिली सॉल्व कर लेंगे। आपको Z, X, Y ये तीनों चीजों को पहचानना है कि ये क्या है। सबसे पहले इजी वाली चीज को उठाते हैं Z। तो Z कुछ गेस ऐसा कर पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में, वो भी अपवर्ड। क्या चीज प्लांट्स में अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ती है, दैट इज वाटर। तो ये कौन सी सेल हो सकती है, जाइलम हो सकती है। देखते हैं Z के बारे में, हम देखते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो नहीं है, ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो है। तो हमारे पास दो ऑप्शन पहले से डिस्कार्ड हो गए, अब बचे दो ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। तब हम इन दोनों ऑप्शन में से देखते हैं नेक्स्ट थिंग। एक्स को देखते हैं, ये जाइलम हो गया तो ये डेफिनेटली है कि ये फ्लोएम है, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, फ्लोएम है। तो दूसरे में क्या है, इन दोनों में ही देखते हैं, बाकी दो तो डिस्कार्ड कर चुके हैं। मेजर कंडक्टिंग सेल्स इन फ्लोएम, मेजर कंडक्टिंग सेल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, ये नहीं है, ये ऑप्शन सही है। बिना वाई को देखे हम सही आंसर तक पहुंच चुके हैं, फिर भी हम वाई को देख लेते हैं कि वाई क्या है। आपको पता है ना फ्लोएम की सीव ट्यूब के बगल में दिस इज कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल न्यूक्लिएटेड होती है जबकि सीव ट्यूब न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, कंपेनियन सेल न्यूक्लिएटेड होती है, तो दिस कंपेनियन सेल इज न्यूक्लिएटेड। तो इस तरह से आप डायग्राम वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करने को ट्राई करोगे तो जरूर कर पाओगे। साइंस के पेपर में डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की और पेशेंस के साथ आंसर्स को सॉल्व करने की जरूरत है। होपफुली आप एग्जाम बहुत अच्छा करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।